जिस ड्रोन ने मचाई दुनिया में खलबली। जिस ड्रोन से ईरान का छिना सुख चैन। कितना ताकतवर है ये अमेरिकी ड्रोन? अमेरिका कैसे ऑपरेट करता है ये ड्रोन? ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने तक की आशंका जताई जा रही है। काफिले के साथ बगदाद एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे सुलेमानी पर अमेरिका ने बिल्कुल अचूक निशाना साधा। अमेरिका ने इस बड़े अभियान के लिए फिर से अपने MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये बेहद उन्नत किस्म का टोही और लक्ष्य भेदी ड्रोन है। इसका इस्तेमाल अक्सर वैसे लक्ष्यों को मिटाने में किया जाता है जिस पर लंबे वक्त तक नजर रख पाना मुश्किल हो। लिहाजा हम आपको उस ड्रोन की खासियत बताते हैं जिसे अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन को विदेशी सैन्य अभियानों की मदद के मकसद से विकसित किया है। इसमें M अमेरिका रक्षा विभाग के मल्टी रोल डेजिग्नेशन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि Q का मतलब दूर से संचालित एयरक्राफ्ट है। वही 9 का मतलब है कि अपनी तरह के एयरक्राफ्ट का नवी सीरीज का है। 2,222 किलो वजनी ये ड्रोन छोटी छोटी गतिविधियों का भी पता लगा लेता है और बेहद कम समय में लक्ष्य को निशाना बना लेता है। MQ-9 रीपर ड्रोन को जनरल एटमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक ने बनाया है। इसकी एक यूनिट की कीमत साल 2006 में $6.42 लाख यानी करीब 3,65,00,000 रुपए आंकी गई थी। 4 एयरक्राफ्ट और सेंसर्स को मिलाकर एक यूनिट बनता है। कितना घातक है MQ-9 रीपर? इस ड्रोन में बेहद घातक हथियार लगे होते हैं। इनमें लेजर से निर्देशित होने वाले, हवा से जमीन पर मार करने वाले 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी शामिल है। ये मिसाइल बिल्कुल लक्ष्य पर निशाना साधते हैं जिससे कि आसपास कम से कम नुकसान हो। साथ ही इसमें टारगेटिंग सिस्टम लगा है जिसपे विजुअल सेंसर्स लगे हैं। इसमें 1,701 किलो वजन तक का बम गिराने की क्षमता है। कैसी उड़ान भरता है MQ-9 रीपर? MQ-9 रीपर चूंकि मानव रहित छोटा विमान है, इसलिए इसके अंदर कोई पायलट या क्रू नहीं होता है। इसे दूर से ही संचालित किया जाता है। हर MQ-9 रीपर ड्रोन के लिए एक पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर सुनिश्चित होते हैं। MQ-9 रीपर की कितनी है उड़ान क्षमता? ये ड्रोन 230 मील यानी 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। MQ-9 रीपर अधिकतम 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें एक बार में 2,200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे ये 1,150 मील यानी 1,851 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। पहली बार नहीं हुआ है ड्रोन का इस्तेमाल। अमेरिका ने पहली बार ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए ही ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए ऐसे कई ड्रोन हमले किए। बगदाद में जिस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया वो लक्ष्य की खुफिया जानकारी जुटाता है और फिर उसे खत्म करने के लिए हमले भी कर देता है। यानी ये ड्रोन तलाश और विध्वंस का दोहरा काम करने में माहिर है। हथियारों से लैस मध्यम ऊंचाई तक पहुंचने वाला, एक साथ कई अभियानों को अंजाम देने और लंबी देर तक हवा में रहने में सक्षम ड्रोन है। अमेरिकी वायुसेना 2007 से इसका इस्तेमाल कर रही है। सितंबर 2015 तक अमेरिकी एयरफोर्स के पास ऐसे 93 MQ-9 रीपर ड्रोन थे। इससे पहले अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन हुआ करता था, जिसकी क्षमता MQ-9 रीपर से कम होती थी। इसके एक पंख से दूसरे पंख की लंबाई 66 फीट थी। इसके आगे से पीछे तक की लंबाई 36 फीट है। वहीं पिछले हिस्से की चौड़ाई 12.5 फीट है।